हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का टीम परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है यानी परीक्षा प्लस। परीक्षा प्लस पर टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का मॉर्निंग करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। डेली में आज मैं बात करूंगा 24 जनवरी की करेंट अफेयर्स की, यानी जो 23 आपकी जनवरी में सारी इंपॉर्टेंट करेंट रही, उन सारे प्रश्नों की। इन प्रश्नों में आपके शामिल हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। रोजाना 8 बजे मैं लाइव आता हूँ करेंट को लेकर के, और शाम के 8 बजे मैं GS के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके NCERT बेस्ड होते हैं, सारी सब्जेक्ट को मिलाकर इनको लाइव आता हूँ। तो सुबह और शाम डेली मेरे साथ बने रहें हमारे अपने चैनल परीक्षा प्लस पर। आज की सीरीज मैं शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों, आज के देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले, शुरू करने से पहले कुछ खास जानकारियां आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारा जो चैनल है ये फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है परीक्षा प्लस नाम से, इससे जरूर ज्वाइन हो जाएं। यहां तमाम एग्जाम ओरिएंटेड सूचनाएं आपको हर दिन मिलती रहती हैं, तमाम ऐसी पोस्ट होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। दूसरी चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़िए। आप टेलीग्राम पर सीधा सर्च करेंगे @परीक्षा प्लस या इस चैनल के वीडियो में जाएंगे, वहां ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश करें, और कोई भी प्लान हमारा जो होता है उसके लिए हमारी वेबसाइट परीक्षा प्लस.org पर डेली विजिट करें। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की। आज के प्रश्नों की पहली जो श्रृंखला है, पहला प्रश्न है, वह दक्षिण एशियाई देश कौन है जिसने अपने नागरिकों हेतु ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या मालदीव। आप जवाब कमेंट करते रहें, वीडियो चाहे जिस फॉर्म में है फटाफट आप लोग कमेंट करते रहें। इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो ये इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश वह दक्षिण एशियाई देश बना है जिसने अपने नागरिकों हेतु ई पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है। अगर बात करें वहां बांग्लादेश में 69 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां से ई पासपोर्ट अपने नागरिकों के लिए जारी करने की सहूलियत प्रदान की है उसने। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट प्रकाशन किया गया? ऑक्सफैम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, फिर IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ILO जिसको बोलते हैं। इसका सही जवाब अगर हम बात करें वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर टाइम टू केयर नामक पत्रिका का प्रकाशन ऑक्सफैम के द्वारा किया गया। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होता है विकल्प ए। इसके अनुसार विश्व में 2019 में अगर देखा जाए तो विश्व के लगभग 2153 अरबपति ऐसे हैं जिनके पास 6.6 बिलियन लोगों से ज्यादा, 6.46 बिलियन लोग के पास जितनी संपत्ति है उनसे ज्यादा 2153 लोगों के पास इस समय मौजूदा संपत्ति है पूरी दुनिया में। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर बोल रहा है कि ब्रेग्जिट की संसद ने हाल ही में ब्रेग्जिट विधेयक को मंजूरी दी, ब्रिटेन की संसद ने, यह कल की आपकी है, तो ब्रेग्जिट विधेयक वहां मंजूरी दे दी गई है। अब बोल रहा है ब्रिटेन यूरोपीय संघ यानी EU से बाहर किस दिन होगा भाई? 31 मार्च 2020, 31 अप्रैल 2020, 31 जनवरी 2020, 23 जनवरी 2020। 3 सेकंड आपके लिए होते हैं, कमेंट करिए फटाफट इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब इसका होगा तीसरे नंबर प्रश्न का, प्रश्न का जवाब सही होगा सी, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है EU यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। ऐसा करने वाला ये आपका कौन सा देश होगा? बहुत सारे इससे पहले राष्ट्र हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक बेरोजगारी साल 2020 में करीब कितने लोगों को बेरोजगार करेगी? 1.5 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आपके पास है 3 सेकंड, बहुत अच्छे, कमेंट करिए भाई जिस फॉर्म में भी वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए, इससे आपका जुड़ाव बनेगा, दिमाग में क्वेश्चन फिट होते हैं। 4 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब है 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन 2020 में ये ऐसे लोगों की संख्या है जो बेरोजगार होने जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5 नंबर बोल रहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको आप NHAI नहाई के तौर पर जानते हैं कि 2 दिशीय समीक्षा बैठक, इस समय समीक्षा बैठक चल रही, मैं किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया?
प्रगति, निर्माण, गति या स्पीड, इन चारों में से सही जवाब कौन सा हो सकता है? विकल्प के माध्यम से चुनाव करें और सही जवाब कमेंट करें। इसका सही जवाब आपका होता है गति। गति पोर्टल लॉन्च किया गया है ठेकेदारों के लिए, वह ठेकेदार सीधा सीधा अपने ठेकों से संबंधित कोई शिकायत है, ठीक, इन सारे मामलों में वो गति पोर्टल से सीधा सीधा अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल केंद्र सरकार की प्रगति पोर्टल के हिसाब को देखते हुए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण के लिए दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक नया मोटर वाहन पंजीकरण मार्ग प्रदान किया है, वह कौन सा है? LL, DH, DN या DD? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? विकल्पों के माध्यम से आप कमेंट चुनाव करें। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी DD। अभी दादरा और नगर हवेली के लिए और तथा दमन और दीव, इन दोनों का मर्ज हो चुका है 26 जनवरी 2020 से। ये जो वाहन पंजीकरण सुविधा है ये यहां लागू हो जाएगी। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है संसद ने एक अधिनियम पारित करके, ठीक, तो वहां के लिए DD नामक एक नया वाहन जो है पंजीकरण प्रदान किया गया। लद्दाख के लिए भी आया था, उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दो चीजें यहां से बनती हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कल यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती रही। इस जयंती पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? कुमार मुन्नन सिंह, राजवीर सिंह घोष, चौधरी रतन सिंह या सीमा कुमारी पोटवाल? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ये जो पुरस्कार रहा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020, व्यक्तिगत श्रेणी में यह दिया गया है कुमार मुन्नन सिंह को, तो विकल्प ए होता है एकदम सही। वहीं अगर मैं बात करूं कि संस्था की श्रेणी में किसको दिया गया, तो संस्था की श्रेणी में दिया गया उत्तराखंड का जो अग्निशामक दल है, उत्तराखंड के अग्निशामक दल को संस्थागत तौर पर दिया गया, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, अग्निशामक के तौर पर उत्तराखंड की संस्था को दिया गया, संस्था के तौर पर व्यक्तिगत तौर पर दिया गया कुमार मुन्नन सिंह को, किस दिन? कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण एशिया निर्वाचन प्रबंधन निकाय मंच, जिसको FEMBOSA की 10वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कौन करेगा? भारत निर्वाचन आयोग, नेपाल निर्वाचन आयोग, श्रीलंका निर्वाचन आयोग या भूटान निर्वाचन आयोग? इन चारों में से अगर देखें कौन सा प्रश्न सही है। ये बैठक आज 24 जनवरी को होनी है, ठीक, इसका सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग 10वीं वार्षिक बैठक जो दक्षिण एशिया निर्वाचन प्रबंध निकाय मंच है उसकी करने जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर। 9 नंबर आपसे बोल रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए पहुंच कार्यक्रम का संबंध किससे है? कार्यक्रम का नाम है पहुंच, बताएं। ग्रामीण भारत में पीने के पानी की उपलब्धता से, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने से, लद्दाख में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी से, कश्मीर में जनसंपर्क अभियान से? तो पहुंच कार्यक्रम का संबंध किससे है? जवाब आप लोग कमेंट करें। जवाब इसका सही है 9 नंबर प्रश्न का आपका, इसका डी विकल्प, कश्मीर में जनसंपर्क अभियान के तौर पर इस समय केंद्रीय जितने मंत्री हैं ये कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कश्मीर में चल रहा, यह पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत है। केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है पहुंच, ठीक, ध्यान रखना है, किस लिए? कश्मीर में जनसंपर्क अभियान से। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर। 10 नंबर बोल रहा, अगले साल होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उरुग्वे, नीदरलैंड, क्राइस्टचर्च या हुआवे? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब की अगर बात करें तो इसका विकल्प सी होता है एकदम सही। क्राइस्टचर्च इस बार जो है महिला क्रिकेट विश्व कप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश बना है। तो प्रश्न ये आपका 10 का विकल्प एकदम सही होता है सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 2021 में ये महिला आपका जो है क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है, और क्राइस्टचर्च का जो शहर है जिसका नाम है हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च का शहर का नाम है हैगले ओवल, वो करने जा रहा है क्या महिला क्रिकेट विश्व कप की शिखर मेजबानी? प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर। 11 आपसे पूछ रहा, वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा? हॉलैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन? इन चारों में से सही जवाब आपका सही होता है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस समय जो है महाअभियोग चलाया जा रहा है। ये हाउस जो वहां पर कांग्रेस है, ठीक, जो निचला एक तरीके से सदन है उसका नाम वहां कांग्रेस है, तो वो उसने राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया इस समय शुरू की है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन पर महाअभियोग चलाया जा रहा है। ध्यान रखना है कौन से राष्ट्रपति हैं, तीसरे राष्ट्रपति। 11 के बाद 12 नंबर आपसे पूछ रहा है। 12 नंबर सवाल यह है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी, 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह। इसका सही जवाब आपका कौन सा विकल्प होगा? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, 6 माह। अभी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने इस चीज को बढ़ा दिया है। वही चीज अगर मैं बात करूं जो आपका जो है ये आयोग का कार्यकाल है, ये आयोग का कार्यकाल जो है आयोग बना भी किस पर, तो अनुच्छेद 340 इसके लिए प्रभावी होता है, ठीक उसी के अंतर इस आयोग की जो है गठन किया गया था। 13 नंबर आपके सामने है, 13 नंबर आपसे पूछ रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, चाइना, रूस, नाइजीरिया या सूडान, इन चारों में से सही जवाब आपका क्या हो सकता है? तो इसमें सही जवाब आपका होगा विकल्प सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया में अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपिता महात्मा जो गांधी है, ठीक है, वो इसमें वहां नाइजीरिया के राष्ट्रपति राष्ट्र जो है पति है उनका नाम है महमदाओ इशोफे। महमदाओ इशोफे ने नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ऐसा कब किया गया? महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर पूछ रहा है, ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यदा यदा वायरस का नाम दिया है, भारत, नेपाल, चीन या ऑस्ट्रेलिया? इनमें से सही जवाब क्या हो सकता है? यदा वदा वायरस, किस देश में पाए जाने वाले वायरस को नाम दिया? इसका सही जवाब है विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यदा वायरस पाया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखें, यह एक अल्फा वायरस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर। 15 नंबर पूछ रहा है, किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया? किसने समाप्त किया? भारत ने, नेपाल ने, चाइना ने या पाकिस्तान ने? इसके सही जवाब की अगर बात करें तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होता है विकल्प ए, यानी भारत ने। अभी सीएफसी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है इसको धीरे धीरे प्रक्रिया, एक चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा इसको समाप्त कर दिया है। आज के प्रश्न आपके 15 होते हैं समाप्त। अंतिम प्रश्न आपके लिए है, अंतिम प्रश्न आपसे है, ठीक, क्वेश्चन आप दे डे के तौर पर ये प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए। चीन में फैले कोरोना वायरस की शुरुआत किस शहर से हुई? चीन के किस शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत होती है? इसका जवाब आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अगले दिन आपको इसका उत्तर मैं दूंगा। जितने लोग सही होते हैं वो समझ जाएं कि करंट पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, डेली मुझसे सुबह 8 बजे शाम 8 बजे जरूर मिलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं शाम 8 बजे। धन्यवाद।